गुड आफ्टरनून लीडर्स, जो आपका जो बेस्ट वे असम कोर कमेटी जो बनाया, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है। तो और जो जो बढ़िया काम कर रहा है, जो एक्टिव लीडर है, जो आगे अच्छा काम करना चाहता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और कभी भी कुछ भी एक्टिविटीज़ होगा, कुछ भी प्रोग्राम होगा, तो वो क्या करेगा कि हमारा ये कमेटी डिसाइड करेगा। और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि क्योंकि हम लोग लीडर है, हम लोग कमेटी है, तो हम लोग को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और आप लीडर सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मैंने इस ग्रुप में ऐड किया, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस पर प्लान्स वगैरह जो आप लोग करते हैं ना, उसको यहाँ पे अपलोड ना करें। हाँ, जैसे आप प्लान्स कर रहे हैं कहीं पे, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको यहाँ पे अपलोड ना करें। यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, यहाँ पे जैसे अदर PPT हो गया, क्या बोलता है कि जैसे स्लाइड हो गया, कुछ भी एक्टिविटी प्रोग्राम्स का, इस पर मत डालिए। यहाँ पे सिर्फ जस्ट हम लोग का जो कोर कमेटी का बीच में जो मीटिंग होगा, कुछ भी एक्टिविटी को लेकर इन्फॉर्मेशन देना होगा, ये सारा चीज़ हम लोग करता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल तिनसुकिया जो केरन रेसिडेंसी होटल में बहुत बड़ा मेगा बिजनेस प्लान होने जा रहा है, तो हमने होटल वालों को बोला कि एटलीस्ट 40 सीट अरेंज करने का। तो मैं चाहता हूँ कि कल का जो प्रोग्राम बहुत सक्सेस हो, और सभी जो इस ग्रुप में ऐड है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो 1 बजे से पहले पहुँचे या 12 बजे में पहुँच के वहाँ पे जो प्रोजेक्टर ठीक करना हो, या बाकी कुछ भी एक्टिविटीज़ होता हो, या लीडर्स को बुलाना हो, बुलाने के लिए वहाँ पे तैयारी करना हो, सारा चीज़ आप लोग रेडी करेगा। और सब लीडर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे एंकरिंग करेगा, फर्स्ट प्लान्स हो, सेकेंड प्लान्स हो करेगा, सभी हम लोग एक साथ बैठ के एजेंडा बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आज शाम को हमारा घर में सभी आए, जितना भी लीडर्स है, स्पेशली रतन सर हो गया, आपका उत्पल सर हो गया, अभिजीत सर है, अफ्ताब सर है, मुनीर सर है, और मैं हूँ, हम जितना भी लीडर का मैंने नाम मेंशन किया, और मिंती मैम हो गया, मुनमी मैम हो गया, जो आसपास के लोग हैं, सब आज शाम को 6 बजे मेरा यहाँ आएगा। हम लोग फिर कल का जो प्रोग्राम है, एक्टिविटीज़ करना, उसका आज शाम को प्लान करते हैं। और 23 को ईटानगर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फंक्शन है, और आप लोगों को पता है कि एवरी टाइम हम आप लोगों को ये बताते हैं कि फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू सक्सेस इन नेटवर्किंग बिजनेस। तो 23 को वहाँ पे होना है, तो मैंने वहाँ का जो मैनेजमेंट कमेटी को बोला था कि एटलीस्ट 20 टिकट हमारे लिए रख देने का, पर टिकट 300 है, तो वहाँ पे एंट्री फी होगा। तो मेरे लिए उन लोगों ने 20 टिकट रखा है बोला, तो अगर 20 भी जाता है, 15 भी जाता है, टिकट का पैसा तो मैं पूरा दे दूँगा, लेकिन बाकी कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, और इसका बारे में भी अगर हम लोग डिस्कशन करने से बहुत बढ़िया होना था। क्योंकि अभी जैसे आप वहाँ जाके, जैसे आप खुद भी जाओगे और टीम को भी लेके वहाँ पे बिठाएगा, फिर वो लोग देखा कि रियली बेस्ट वे में, वाकई में लोगों को इतना अचीवमेंट आ रहा है ना, लोगों को इतना इनकम आ रहा है, और अगर वो देखेगा तो यहाँ, फिर वहाँ से जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर वापस आएगा, जब रिटर्न आएगा, तो ये लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, बड़े से काम कर सकते हैं। इसलिए जिसको जाना है, शाम को, आज शाम को मुझे पूरा तोते लिस्ट दे दीजिएगा, रतन सर आपका कि आप कितने को लेके जा रहा है, अफ्ताब सर आप कितने को लेके जा रहा है, अभिजीत सर अपने कितने को लेके जा रहा है, तो सभी आज शाम को यहाँ पे बैठ के 6 बजे बैठ के डिस्कशन करके फाइनलाइज करने से बहुत बढ़िया रहेगा। तो बढ़िया रहेगा, तो इसलिए मैं दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे भी आज शाम को 6 बजे मेरा यहाँ पे आएगा, कहीं भी हो चल के यहाँ पे आना है। और आज हम लोग 20 वाला प्रोग्राम को भी सक्सेस करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और 23 में जो इंटरनेट में जो बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर फंक्शन होने जा रहा है, मैं उसका पिक्चर आप वीडियो या फोटो में अभी इस ग्रुप में अपलोड करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक्स, होप एवरीवन विल कोऑपरेट विद मी, एंड आई होप दैट इन दिस इवनिंग यू विल कम टू माय रेसिडेंट, एंड वी विल हैव द फादर फ्रेंड। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे एवरीवन।